गाइज एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो मेरा बाइक है होंडा सी बी 150F, ये 2019 मॉडल है लेकिन ये लगता बिल्कुल जो है 2021 मॉडल है क्योंकि इसकी मैंने मेंटेनेंस बहुत अच्छी रखी हुई है। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं इस होंडा सी बी 150 की मेंटेनेंस कैसे रखता हूँ और प्लस मैं आपके माइंड में जितने कोई क्वेश्चन होंगे और सी बी 150 के वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो बिना आपका टाइम ज़ाय किए चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी मैं अपने बाइक का इंजन का काम करवाने जाता हूं तो मैं मेक श्योर करता हूं कि मेरा बाइक जो है वो डर्टी ना हो। तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि मैं अपने बाइक की सर्विस करवा के जाऊं, चाहे वो इतना डर्टी है या नहीं है लेकिन उसकी सर्विस लाजमी मैं करवा के जाता हूं। अगर खुदा न खास्ता इंजन ऑयल चेंज करते वक्त अगर थोड़ी सी भी डर्ट अंदर चली जाती है बाइक के इंजन में तो उससे आपके इंजन में बहुत सारे फॉल्ट आ सकते हैं, तो काफ़ी फ़र्क लग सकता है। तो इसलिए मैं मेक श्योर यही करता हूं जब भी मैं काम करवाने जाऊं कि मेरा बाइक की सर्विस हुई हो, बाइक मेरा डर्टी ना हो। प्लस मैं इधर एक और बात ऐड करना चाहता हूं कि जब भी आप सर्विस करवा रहे हो अपने बाइक की तो अपने बाइक का पेट्रोल ऑफ कर दें। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर कर दें तो अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्क ब्रेक की। तो डिस्क ब्रेक की कुछ लिमिटेशंस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि जो इसके पैड्स होते हैं डिस्क ब्रेक में जो कि लेदर हम जिन्हें कहते हैं उनके ऊपर एक केमिकल लगा होता है जो कि वाटरप्रूफ नहीं होता, वो स्लोबल होता है वाटर में। तो जब आप बारिश में डिस्क ब्रेक का यूज़ करते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको डिस्क ब्रेक के पैड्स जो होते हैं वो चेंज कराने पड़ते हैं। तो जब आप सर्विस करवा रहे हों तब भी आप ये ध्यान रखिए कि आप अपने डिस्क को जो है अच्छी तरह खुश कर लें और उसके बाद ब्रेक का यूज़ करें। तो अभी हम इसका ऑयल देखते हैं और अगर ऑयल ब्लैक हुआ तो वो चेंज कराने वाला होता है ऑयल। तो वैसे मैं हर 1000 किलोमीटर में इसका ऑयल चेंज करवाता हूँ। हाँ जी बिल्कुल ऑयल ब्लैक है और अभी हमें इसको ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा। और भी मज़ीद इस पर कुछ काम है वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि मैं क्या काम कराता हूँ। ये खुल तो गया लेकिन अभी बंद नहीं हो रहा मुझसे। तो अगर आपने ऑयल चेंज करवाना है और मज़ीद और काम कराना है तो आप सीधा होंडा के ऑथराइज डीलर के पास आए क्योंकि इनके पास ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर होते हैं और एक वही सर्विस प्रोवाइडर हैं जो इस बाइक को समझ सकते हैं। अभी ऊपर से इसके फिल्टर खोल रहे हैं और उसको चेक करेंगे कि उसके क्या हालात हैं। ये फिल्टर है जी, ये इसके हालात देख लें कि कितना गंदा है ये। ये हर 4000 किलोमीटर के बाद आपको चेंज करवाना पड़ता है जब भी मोटरसाइकिल चलता है। इतना एक्सपेंसिव नहीं है, 1200 से 1500 की रेंज में आपको मिल जाता है। ये है होंडा 125 सिंपल, प्राइस 147,500 और ये है स्पेशल एडिशन, प्राइस 152,900। फ़र्क सिर्फ इतना है इसमें सेल्फ स्टार्ट है स्पेशल एडिशन में और सिंपल में सेल्फ स्टार्ट नहीं है। ये देख सकते हैं आप इसके ऑयल के हालात। तो अभी मैं ऑयल चेंज करवाने लगा हूँ इसका। वैसे मैं ऑयल जो है वो मैं हेवोलिन का डलवाता होता हूँ लेकिन इनके पास वो ऑयल था नहीं। तो ये एटलस के नाम से एक ऑयल आता है जो कि एटलस कंपनी बनाती है, ये भी बेहतरीन ऑयल है। आप ये भी डलवा के चेक कर सकते अपने बाइक का, बाकी पसंद अपनी अपनी है सबकी।
यहाँ हो गई है मेरी बाइक रेडी और अभी ये जाएगी टेस्ट ड्राइव के लिए, जो कि जुल्फिकार साहब खुद ही इसको टेस्ट करेंगे। बाइक की परफॉर्मेंस जो वो बहुत बेहतरीन हो गई है और मैं इसको टेस्ट करने के लिए कल लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।